नमस्कार दोस्तों, आरसीएन जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों का मुख्य समाचार। आज हम बात करेंगे दो भर्तियों के बारे में, जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2019 और आबकारी सिपाही भर्ती 2016 के बारे में। साथ ही साथ आयोग की एक महत्वपूर्ण सूचना है, आज आयोग में मीटिंग चल रही है, संभावना है अगर सहमति बन जाती है तो शाम तक कोई ना कोई परिणाम या नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। संभावना जताई जा रही है कि अनुदेशक का परिणाम आज जारी कर दिया जाए, या आयोग पे डिपेंड करता है, मीटिंग पे डिपेंड करता है। अगर आयोग में जो मीटिंग चल रही है उस पर सहमति बनती है तो अब आइए पहली भर्ती के बारे में जान लेते हैं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2019 की परीक्षा तिथि फिर से आगे बढ़ सकती है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग ने जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया है उसमें लिखा गया है कि दिसंबर के प्रथम पक्ष में जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2019 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रथम पक्ष में परीक्षा नहीं हो पाएगी। इसका बहुत सा कारण है, प्रथम पक्ष में बहुत सी परीक्षाओं के डेट लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ और मैं परीक्षाओं की बात कर रहा हूँ। 8 दिसंबर 2019 को सीटेट की परीक्षा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2019 की परीक्षा दिसंबर के अंतिम और जनवरी के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाएगी। दिसंबर के अंतिम और जनवरी के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाएगी, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है। आप लोग जो आयोग का कैलेंडर है उसी के मद्देनज़र तैयारी करिए। लेकिन जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान में रखिए, दिसंबर के अंतिम और जनवरी के प्रथम सप्ताह में। साथ ही साथ दूसरी महत्वपूर्ण खबर है आबकारी सिपाही भर्ती 2016 के संबंध में। जैसा कि आज आपने पेपर में पढ़ा होगा और बहुत से अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं क्योंकि अभ्यर्थियों ने बहुत मेहनत की है, कई बार धरना प्रदर्शन किए हैं, आयोग से आश्वासन मिला है, उसके बाद पुलिस की आख्या प्राप्त हुई है, विधिक परामर्श मिला है। अब बात चल रही थी कि परिणाम जारी हो जाएगा, लेकिन आज जब से पेपर में अभ्यर्थियों ने पढ़ा है कि जो है परीक्षा रद्द होने के बाद, तब से अभ्यर्थी काफ़ी दुखी हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अभी ऐसी कोई बात नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हिम्मत से काम लीजिए, जिंदगी में संघर्ष बहुत करना पड़ता है, तो आप जितने भी अभ्यर्थी हैं हिम्मत से काम लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा अगर ईश्वर ने चाहा। अगर ऐसा होता है तो आयोग पे फिर एक बार उपस्थित होना पड़ेगा और यह अवगत कराना पड़ेगा कि हमने बहुत मेहनत की है, विजिलेंस की रिपोर्ट भी आपको मिल गई है, पुलिस की आख्या भी आपको प्राप्त हो गई है, विधिक परामर्श भी आपको मिल गई है, तो किस कारण से आप भर्ती परीक्षा को रद्द कर रहे हैं इसका कारण बताइए। जब विजिलेंस जांच में कोई साक्ष्य नहीं मिला तो आपका क्या आधार है भर्ती परीक्षा को रद्द करने का? कहीं ऐसा तो नहीं आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने जो लेटर भेजा था उसका इफेक्ट आयोग में पड़ रहा हो? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होना चाहिए। अगर ऐसा पड़ रहा है तो आप सभी को एक बार आयोग पर जाकर बात करनी होगी। और जो मुझे जानकारी प्राप्त होती है मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले देता हूँ, क्योंकि यह आपका विश्वसनीय चैनल है और मैं आपकी मदद के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। यह आप सभी को मालूम होगा, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो विरोध करते हैं, तो मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ, इसमें मुझे कुछ नहीं मिलता है, मैं आपको जब भी जानकारी देता हूँ सही जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। इसलिए जितने भी दोस्त हैं चिंता ना करें, संघर्ष ही जीवन है, अगर आपने इतना परिश्रम किया है तो उसका फल आपको मिलेगा और आबकारी सिपाही भर्ती 2016 का परिणाम जारी होगा, भर्ती रद्द नहीं होगी अगर ईश्वर ने चाहा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।